अस्सलाम वालेकुम मेरी पॉजिटिव फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो आज फरमाइश कर दी है अलाइना ने ब्राउनी की, उनको केक पेस्ट्रीज़ ब्राउनी इन सब का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मेरे पास ना केंट का ब्राउनी मिक्स पड़ा हुआ था, तो मैं सोची कि क्यों ना आज वही बना दूँ। तो उनकी फरमाइश पर आज बना रही हूँ मैं केंट का ब्राउनी मिक्स। ऐसे तो अगर आप रेडीमेड वाला नहीं चाहिए तो आप इसमें बहुत ईजीली घर का मैदा और बटर चॉकलेट मेल्टेड चॉकलेट को मिक्स कर आप इजीली ब्राउनी बना सकते हो। किसी दिन मैं इंशाल्लाह होममेड पैक का भी कैसे बनाते हैं बताऊंगी। तो अभी तो मेरे पास रेडीमेड वाला था और पैकिंग तो बहुत ज़बरदस्त थी। इसके साथ है ना एक पैकेट में चॉकलेट सॉस चॉकलेट दिया होता है, तो वो निकलने में बहुत दिक्कत दे रही थी। तो चलिए ब्राउनी बनाना शुरू करते हैं। तो हमें ब्राउनी बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होगी 2 अंडे, पानी और कुकिंग ऑयल और फ्रेश मिल्क। फ्रेश मिल्क किस लिए चाहिए, कब चाहिए, वो आगे वीडियो में पूरा दिखेगा आपको, एक सेकेंड भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए ब्राउनी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में लेंगे 2 अंडे, उसको अच्छे से निकाल देंगे। अंडे हमें योल्क के साथ लेना है, तो उसे बहुत अच्छा मॉइस्चर आएगा। तो मैं यहाँ पर अंडे निकाल रही हूँ, अंडे हो गए हैं यहाँ पर, बस 2 अंडे काफ़ी हैं। और इसको है ना बहुत अच्छे से विस्कर की मदद से विस्कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो वेल एंड गुड, मुझे विस्कर से थोड़ा सा कम्फर्टेबल होता है तो मैं विस्कर से ही कर रही हूँ। और मेरे पास है ना हैंड ब्लेंडर भी था पर क्वान्टिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो कौन निकाले कौन करे, तो इसलिए ना मैं हैंड विस्कर से ही कर रही हूँ। अच्छा, कुकिंग ऑयल मैंने दिखाना भूल गई थी। कुकिंग ऑयल हमें 50 ग्राम्स चाहिए, बॉक्स में 50 ग्राम लिखा था लेकिन मैंने ना 50 से ज़्यादा डाला, 80 ग्राम्स डाला था, तो उसे ना बहुत अच्छा मॉइस्ट के ब्राउनी बनता है। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया था, 80 ग्राम्स लिया था 50 ग्राम के बदले। अब इसको पहले ना थोड़े से मिक्स कर देंगे अच्छा से अंडों के साथ, और थोड़ा थोड़ा सा रख करके पानी ऐड करेंगे। एकदम से मत डालिएगा क्योंकि लम्स आ जाएंगे, लम्स आ जाएंगे तो ब्राउनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है। अच्छा, इस बीच ना मैंने 80 ग्राम थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। सारा सारा पानी एक साथ मत डालिएगा, धीरे धीरे से डालते रहिएगा। तो इधर है ना आपके पास जितनी जान है आप उसको इस ब्राउनी के मिक्स में डाल दीजिएगा, क्योंकि ना मिक्स करते वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हैंड ब्लेंडर होता तो बहुत ईजीली हो जाता है। तो यहाँ पर विस्कर की मदद से मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ईजीली बन गया। हार्डली 20 से 25 मिनट में मेरे पास बन गया था ब्राउनी, और इतना ज़बरदस्त बना था मैं आपको क्या बताऊँ। आगे मैं आपको पूरा डिटेल में रिव्यू के साथ बताऊँगी, अलाइना के रिव्यू के साथ, कि उन्हें कैसा लगा। तो देखिए ब्राउनी मिक्स बहुत अच्छा हो गया, कोई लम्ब्स नहीं है, एकदम सॉफ्ट सा बैटर बना है, कुछ लम्ब्स वगैरह नहीं है, इतना ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अच्छा, इस वक्त अगर आप चाहे तो इसमें ना वॉलनट्स ऐड कर सकते हो, बहुत लोग वॉलनट्स ऐड करते हैं, मैं नहीं ऐड करूँगी। अच्छा, तो फिर इसमें ना हम दूसरे पैन में ले लेंगे जिसमें आपको माइक्रोवेव करना है। अगर आप चाहे तो कुकर में भी बना सकते हैं, कुकर वाला टेक्निक फिर कभी बताएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर है ना मैंने थोड़ा ऑयल से इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है, ताकि जब हमारा ब्राउनी बन के निकले ना ईजिली निकल जाए। तो ग्रीस कर लिया है मैंने ऑयल से, अब पूरा जो ब्राउनी मिक्स हमने बनाया था उसको मैं पैन में जिसमें हमें माइक्रोवेव करना है तो उसको डाल दूंगी। डालकर बहुत अच्छे से इसको है ना आपको ऐसे टैप करना है। टैप क्यों करना है, इसमें एयर बबल्स होते हैं, अगर होंगे ना एयर बबल्स तो आपके ना ब्राउनी अच्छे से कुक नहीं होगी। तो यहाँ पर माइक्रोवेव में हम रख देंगे ब्राउनी, इसको है ना पहले 15 मिनट्स हम एकदम लो फ्लेम में, नॉट फ्लेम, माइक्रोवेव के लो हीट में कुक करना है बहुत अच्छे से 15 मिनट्स। तो यहाँ पर टाइमर मैंने सेट कर लिया है। उसके बाद दूसरी तरफ हम एक पैन ले लेंगे, नॉनस्टिक पैन लेना है आपने, तो उसमें जो चॉकलेट सॉस दिया था ना वो कैसे बनाना है चलिए प्रिपेयर करते हैं। ये बनाना बहुत ईजी है, इसमें ना मैंने अपना एक ट्विस्ट डाला था, ट्विस्ट ये डाला था कि मैंने इसमें न्यूटेला ऐड किया था। न्यूटेला कब ऐड किया है ये आप देखिएगा, आगे कंटिन्यू मैं बताती रहूँगी। तो इसके फ्लेम ऑन कर दिया है मैंने, इसमें डालेंगे फ्रेश मिल्क, 200 ml आपको फ्रेश मिल्क डालना है। कंसिस्टेंसी आप ज़्यादा या कम कर सकते हो, मैंने 200 के जगह 300 ml डाला था क्योंकि मैं इसमें न्यूटेला ऐड कर रही हूँ, और हमें ना एकदम अच्छा सा लिक्विड फॉर्म में चाहिए था ताकि ब्राउनी के अंदर तक बहुत अच्छे से चॉकलेट पहुँचे। तो मैं यहाँ पर है ना 300 ml ले रही हूँ, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, इसको भी लम्ब्स फ्री करना है, इसको एक उबाल आने तक यानी कि एक बॉयल आने तक हमें पकाना है। तो अभी ये वक्त लगेगा क्योंकि हमने कच्चा दूध डाला है इसमें, तो इसको
स्टेयर करते रहना है, इस वक्त बिल्कुल भी रुकना नहीं है। अच्छा, इस वक्त मैंने क्या किया था, मैंने 2 टेबलस्पून न्यूटेला लिया था। न्यूटेला ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो ऐसे भी ये बहुत अच्छा टेस्ट करेगा। अगर आप न्यूटेला डालोगे ना और ज़्यादा अच्छा टेस्ट करेगा। तो यहाँ पर है ना मैंने 2 टेबलस्पून भर के न्यूटेला डाला था और कंटिन्यू इसको स्टेयर करते रहना है ताकि ये नीचे चिपक ना जाए और चॉकलेट जल जाने के चांसेस होते हैं। फ्लेम इस वक्त एकदम ही लो रखना है, मतलब मीडियम रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर उबाल आ गया है, बस हमें इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा उबालिएगा मत, नहीं तो चॉकलेट जो सॉस है ना वो कड़वा हो जाएगा, हमें कड़वा नहीं चाहिए। तो इसको बंद कर देंगे फ्लेम को और 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। दूसरी तरफ देखते हैं हमारी ब्राउनी का क्या हालचाल है। अब यहाँ से मीडियम लो से अब कर देंगे मीडियम हाई, 15 मिनट इसको ऐसे ही रखेंगे ओवन में। आफ्टर 15 मिनट ये है ना बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा, आपको दिखाऊंगी मैं। यहाँ पर देखिए 15 मिनट्स हो गए हैं, अब माइक्रोवेव पूरा बंद होने वाला है। बंद होने के बाद ये कैसा लगेगा चलिए देखते हैं। माइक्रोवेव हो गया है बंद, तो इसे ओपन करते हैं और ब्राउनी का हालचाल देखते हैं कि ब्राउनी कैसा हुआ है। उससे पहले मैंने पहन लिया ग्लव्स क्योंकि बहुत गर्म होता है और हाथ में ना लग जाए। तो यहाँ पर ब्राउनी तो ऊपर से बहुत ज़बरदस्त दिख रही है। अच्छा चलिए देखते हैं अंदर कैसा कुक हुआ है। तो टूथपिक या ओक की मदद से आप है ना ब्राउनी के अंदर डालकर देखना, अगर आपका ब्राउनी एकदम नीट निकला है जैसे कि मेरा निकला है, कुछ भी स्टिक नहीं हुआ है, तो आपकी ब्राउनी बहुत अच्छे से कुक हो गई है। तो इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे। प्लेट में निकालने के बाद एक हैक मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, स्पेशली जब आप ब्राउनी बना रहे हो। ब्राउनी को ना हम यहाँ पर ठंडा कर लेंगे, ठंडा होने के बाद इसे ना इस तरह से कट कर देंगे। कट क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम चॉकलेट सॉस डालेंगे ना, चॉकलेट सॉस इवनली अंदर अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा और ब्राउनी पूरा अच्छे से चॉकलेट सॉस पी लेगी, तो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। ये मेरा हैक है। वैसे तो आप ऊपर बिना कट करे भी डाल सकते हो, अगर आप कट करके डालेंगे ना लाजवाब टेस्ट करने वाला है। तो मैं यहाँ पर है ना अपने डिज़ायर साइज़ के हिसाब से कट कर रही हूँ। आप छोटा बड़ा, आपको जैसा भी साइज़ चाहिए ब्राउनी का तो आप वैसा कर सकते हो। तो यहाँ पर है ना मैंने थोड़े बड़े साइज़ ही रखे हैं। और अब जो चॉकलेट सॉस हमने बनाया था ना, इसको भी ठंडा करके डालना है, गरम मत डालिएगा। 15 मिनट्स हार्डली लगता है उसको ठंडा होने। तो यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से इवनली सब जगह स्प्रेड कर दूंगी और जहाँ जहाँ मैंने कट लगाया था ना मैंने थोड़ा स्पेस रखा है ताकि चॉकलेट सॉस अंदर तक जाए और बहुत अच्छा टेस्ट दे। बहुत ही अच्छा बना था गाइज, बहुत लोगों ने बहुत टाइप की ब्राउनी रेसिपी शेयर की होगी, लेकिन जैसा मैंने बताया ना आप वैसा एक बार ट्राई करिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चॉकलेट सॉस को बहुत अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। चॉकलेट सॉस मेरा ना बहुत अच्छा क्वांटिटी में भी बना था, तो मैंने ना दिल खोल के ब्राउनी में डाला है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बना भी था। न्यूटेला डालने के बाद तो सोने पे सुहागा हो गया, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। न्यूटेला ऑप्शनल है जैसे कि मैंने बताया। तो अब है ना इसको ना अच्छे से पैट कर लेंगे। तो मेरे पास है ना चॉकलेट कुकीज़ नहीं थे, तो मैंने देसी जुगाड़ू वाला काम किया, मैंने चॉकलेट्स को क्या किया स्प्रिंकल कर दिया ब्राउनीज़ में, ये भी बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा था। तो इसको बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और इसके बाद है ना इसको हम रेफ्रिजरेट करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये ना बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। तो मैंने ना इसको डेकोरेट कर दिया। अभी तक मैंने अलाइना को नहीं बताया था कि मैं ब्राउनी बना रही हूँ, मैंने उन्हें ऑल ऑफ अ सडन सरप्राइज़ दिया। उन्होंने जब मुझे कहा था ना कि मम्मी ब्राउनी बनाना, तो मैंने उन्हें झूठ कहा था कि नेक्स्ट टाइम, लेकिन ना जब आप देखना मैं उनको कट करके लेके जाऊँगी ना उन्हें सरप्राइज़ मिलेगा। तो यहाँ पर ना ब्राउनी हमारी रेडी हो गई है, लग रही है ना एकदम ज़बरदस्त। तो मैं आपको यहाँ पर कट करके भी बताऊँगी। एकदम मॉइस्ट बना था, टेस्ट में भी लाजवाब था और जो चॉकलेट सॉस दिख रहा है आपको कितना अच्छा से इवनली सब जगह स्प्रेड हुआ है। तो बस यही थी ब्राउनी वाली वीडियो। अलाइना भी खुश, हम सब भी खुश। होप करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।